हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो है P10 के ऊपर। ये आप देख रहे हैं ना, P10 पैनल में हम आज काम करने वाले हैं। 1 फीट बाय 4 फीट बोथ साइड, दो साइड, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर आज हम वायरिंग दिखाने वाले हैं आपको। कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं, इसका फ्रेमिंग वगैरह सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। पहले तो मैं P10 पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये SMD में है, सिंगल कलर, ये SMD सिंगल कलर पैनल है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं मेरे से, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ माल स्टॉक है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा जब भी चाहिए। पहला तो ये P10 हो गया, ठीक है। ये P10 में सिंगल कलर है, सिंगल कलर SMD, ये सिंगल कलर नहीं है, ये मल्टी कलर है। ये P10 में मल्टी कलर है और ये P10 में LED है, ठीक है। ये LED टाइप है, ये आप देख सकते हैं, ये LED है। नीचे भी ये रखा हुआ है, ये भी LED टाइप का है। तो इसका पूरा स्टॉक आपको मिल जाएगा, प्लस इसका सर्किट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा डिटेल दिखा ही देता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं WOO, ठीक है, ये WOO, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सर्किट सिंगल कलर के लिए है, P10 सिंगल कलर हम यहाँ पे ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये सर्किट हम लगाने वाले हैं और एक सर्किट आपका आ जाता है, सॉरी, इसके बारे में और कुछ बता देते हैं। ये वाईफाई में वर्क करता है, ठीक है, ये मोबाइल से वाईफाई से वर्क करता है, वाईफाई कनेक्ट हो जाता है इस पर। यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी लगता है, ठीक है, टाइमिंग को परफेक्ट रखता है वो। और ये सब आप देख सकते हैं, ये है हमारा वाईफाई कंट्रोलर, ठीक है। इसमें दो ही पोर्ट दिया हुआ है, 1 और 2, तो ये 1 और 2 ही पोर्ट चला सकता है, ठीक है। अगर हमको 1 फीट बनाना है तो, अगर आपको 1.5 फीट का चौड़ाई बनाना है तो ये आपका नहीं चलेगा, ये सर्किट नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा हो गया ये सर्किट, इसका केबल हटा के आपको सर्किट दिखाते हैं। ये सर्किट हो गया एक, ठीक है, ये भी P10 का सर्किट है। एक पोर्ट दिया हुआ है सिंगल लाइन के लिए, सिर्फ 6 इंच चला सकते हैं आप इस पर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे से IC लगा हुआ है, यहाँ पे USB का पोर्ट आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट करना होता है आपको, ये कीबोर्ड से चलता है, ठीक है। कीबोर्ड से पहले जो आता था ना, इस तरह का कीबोर्ड से टाइप करके आप कुछ भी चला सकते हैं, कुछ भी जो टाइप करना है वो टाइप करके आप रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कीबोर्ड और वो हो गया वाईफाई। एक और है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। एक होता है ये BX5UL, आप यहाँ पे देख सकते हैं BX5UL, ये वर्क करता है LED शो पे, LED एडिट के जैसा ही एक ऐप है LED शो, ठीक है, जो आपको सिस्टम से चलाना होगा, जो लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना होगा, और उसी के थ्रू आपको उसका जो ऐप है उसके ऐप के थ्रू आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करना पड़ेगा, और उसको एडिट करके पेन ड्राइव में डालना पड़ता है। पेन ड्राइव में डाल के वो पेन ड्राइव यहाँ डालिएगा तो ये ऑटोमेटिकली रीड करता है, ठीक है। ये तीसरा टाइप हो गया, ये 3 टाइप सिंगल कलर में ही मैंने दिखाया हुआ आपको, ठीक है। चौथा टाइप जो है वो कलर में है, ये हो गया मल्टी कलर के लिए। ये जो मल्टी कलर मैंने पिक्सल दिखाया आपको, ये वाला पिक्सल में, सॉरी, मल्टी कलर में आपका P10, ठीक है, ये उसी के लिए ये सर्किट होता है WF1। इसको ओपन करके भी मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप पीछे से देख लीजिए, अभी ओपन नहीं कर सकते। ये सिंगल पोर्ट में है, आप इसको सिंगल लाइन चला सकते हैं। अगर आपको इसमें डबल लाइन चाहिए तो यहाँ पे नंबर ये चेंज हो जाएगा, ये मॉडल चेंज हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा, WF2 भी आएगा, और बहुत सारा इसका आता है मॉडल, जितना आपको साइज बड़ा होगा उस हिसाब से आएगा। तो ओवरऑल जो भी दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसमें जो भी मटेरियल लगता है आप अगर चाहें तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। तो परचेज के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जो भी बंदे हैं जिनको भी चाहिए वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अब बात रहा हमारा ये हम 2 साइडेड बना रहे हैं, तो ये टू साइडेड के लिए आप पीछे से देख सकते हैं, पीछे से इसका लुक कैसा है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये दोनों आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसका जस्ट फ्रेमिंग रेडी किया है। फ्रेमिंग कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से रेडी करते हैं, ठीक है। दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको रेडी किया हुआ है। जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर हमने इसको स्क्रू लगा के टाइट किया हुआ है। ये एक साइड का ये पैनल है और एक साइड वो, तो हम इसको इसके साथ अभी कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं हुआ है। और इसका वायरिंग जो है ये होता है रिबन बेल्ट, इसका जो रिबन वायर होता है वो ये वायर होता है, ठीक है, ये वायर होता है इसका रिबन वायर,
जो यहाँ पे हम लगाते हैं, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये आप वायर देख रहे हैं, ये वायर आपका यहाँ पे लगेगा, ये डाटा केबल बोल सकते हैं आप इसको, ये जो केबल है वो यहाँ लगता है इस तरह से, ये देखिए कनेक्ट हो गया, इसी तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, इस तरह से ये हर पैनल पे देखिए आप, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, इस तरह का हर जगह पे होता है। तो ये सब अवेलेबल है मेरे पास, जिसको भी, जिन भी भाइयों को चाहिए, कोई अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर पर बना सकते हैं ये सब, ठीक है। उसके लिए मटेरियल आपसे, आपको चाहिए तो आप मटेरियल के लिए मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा रॉ मटेरियल इसका मिल जाएगा आपको, और बना बनाया रेडी चाहिए तो बना के भी आपको मिल जाएगा, जहाँ भी चाहिए वहाँ तक डिलीवरी भी आपको हो जाएगा, ठीक है। बस पेमेंट एडवांस पेमेंट होगा, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, तो एडवांस पेमेंट होता है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है अभी फ़िलहाल हमारे पास। तो बना बनाया जिनको भी जहाँ भी चाहिए डायरेक्ट आपको डिलीवरी हो जाएगा, घर तक डिलीवरी करके मिल जाएगा, जो भी साइज चाहिए, सिंगल कलर, मल्टी कलर, मिक्स कलर, इसमें मिक्स कलर भी मिल जाता है, एक ग्रीन लगा है, एक ब्लू लगा है, एक रेड लगा है, ऐसे भी बना के आपको मिल जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर वायरिंग करते हैं और वायरिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। वायरिंग करते हुए मैं इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरा खुद करना है और आज स्टाफ कोई है नहीं, तो इसलिए आज मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा फ्री हूँ, टाइम मिला है इसलिए। तो आज हम यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्शन करेंगे, उसका भी केबल होता है, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं इसका केबल, इस तरह का इसका केबल होता है, ये देख सकते हैं इसका कनेक्टर, ये देख सकते हैं इसका कनेक्टर, ये सब कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये पावर कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन करने के बाद, मैं पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तब तक वीडियो में बने रहें, और फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग नए आए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरा बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलते रहेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं अभी हमने इसको कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, इसको अभी हमने टेम्पररी वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका दो पोर्ट है, दोनों पोर्ट, एक पोर्ट हमने यहाँ पे लगाया और दूसरा पोर्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं ना, इसका आउटपुट पकड़ते हैं, आउटपुट को सेकेंड वाले पे डालेंगे इनपुट में, इसका भी सेकेंड वाले पे डालेंगे। अब इसके आगे ये हो गया आपका आगे का नंबर, इसका भी क्या करते हैं, सेम प्रोसेस सब में होगा, है ना। आप सबको देखिए इस तरह से कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया, उसके बाद और आगे हम आते हैं, और देखिए आगे ये हो गया, और इसके साथ फिर ये ऐसे कनेक्ट हो गया, इस तरह से पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। मैं अभी तीन लगाया हूँ तो ये तीन पैनल चलना चाहिए, तीन को आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चला के, ये आप देख सकते हैं अभी ये तीनों पैनल चल रहा है, लास्ट पैनल कनेक्शन नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं अभी उल्टा है, इसको हम सीधा करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं AR इलेक्ट्रोटेक, ये अभी चल रहा है, इसका कंप्लीट हम आपको रेडी करने के बाद दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये फुल, इसका बहुत सारा काम इसमें बाकी है, ये आप देख सकते हैं, ये है एक साइड का रेड वाला, जो मैंने जला के पहले ही दिखा दिया है आपको, ठीक है, ये रेड कलर का है एक साइड, और सेकेंड साइड जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे एक ही वायर लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्यों लगाया हूँ अभी बता दे रहा हूँ आपको। इसका जो नेगेटिव है ना, वो इसके थ्रू ऑलरेडी आ जाता है, इसके थ्रू इस पैनल को ऑलरेडी नेगेटिव मिल जाता है, सिर्फ पॉजिटिव का ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा वायर है ये, वायर का क्वालिटी सही है, थिकनेस भी सही है, तो हमने इस वायर को यूज़ किया है। हमने यहाँ पे दो दो पावर सप्लाई यूज़ किया है, 10 एम्पियर का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ पे भी हमने दो यूज़ किया हुआ है, एक यहाँ पे TEAM 3E का है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो दो यूज़ किया हुआ है, और ये हमारा कंट्रोलर है, ड्राइवर जो आप देख रहे हैं, ये हमारा वाईफाई कंट्रोलर है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन है, ये भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट रेडी है, सिर्फ इसको रेडी करना है, इसको सिर्फ कनेक्ट करना है और उसके साथ अटैच करना है, और ये भी हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको जला चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर से हम इसको ऑन करके एक बार दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं हमने इसको ऑन किया, ठीक है। ये एक साइड का है जो रेड है, ये आप देख सकते हैं इसको, इधर से रेड है, इस तरह से चल रहा है, ये रन कर रहा है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलरेडी रिव्यू मेरा किया हुआ है, सॉरी रिव्यू नहीं, पूरा ट्यूटोरियल जो है वो
ऑलरेडी पहले से अपलोड किया हुआ है मेरा यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ये जो है एलईडी आर से चलता है, ठीक है। एलईडी आर तो वाईफाई कंट्रोलर है, वाईफाई सॉफ्टवेयर है ये। वाईफाई कंट्रोलर जो होता है ना, इसको चलाने के लिए फिर एलईडी आर चलाते हैं। एलईडी आर भी है, एलईडी आर लाइट भी है। तो दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो डाला हुआ है, कैसे रन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसको, उस तरह का। तो उसका पूरा वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो एक तरह का हमने एक साइड से हमने इसको ऑन कर लिया है, जला लिया है, और दूसरे साइड जो है वो ये हमारा ग्रीन है। अब हम इसको कनेक्शन करते हैं और इसको भी जला के आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले हम कनेक्शन करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। ये जो हमारा है ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। मैं पूरा वीडियो फिटिंग का नहीं दिखा पाया क्योंकि लाइट कट चुका था, और लाइट कटने के बाद में हो नहीं रहा था, मतलब फिटिंग करने के लिए बन नहीं रहा था। तो मैं इसको बाद में इसको फिटिंग किया हूँ, उस टाइम पे नहीं कर पाया। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये साइड का फिटिंग आप देख सकते हैं पूरा हो गया है। इस साइड से आप देख सकते हैं ये हमारा रेड कलर है जो रन कर रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से, ठीक है। और ये हमारे इस साइड में ग्रीन है, ऑन करके भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इस साइड में अभी हम इसको मूव नहीं करा रहे हैं, ये स्टील में है, ठीक है। स्टैटिक बोलते हैं इसको, स्टैटिक है इसका मोड जो है वो, स्टैटिक मोड है। ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ना तो अप डाउन ना तो लेफ्ट राइट, कहीं पे भी नहीं हो रहा। ये पूरा स्टैटिक में है। अभी मैंने सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर चलाया हुआ है, इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ये एक फिट का है तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। ये अभी मैं इसको दो लाइन किया हुआ हूँ। अब चाहिए तो इसको भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, एक साइड में ग्रीन और दूसरे साइड पे रेड। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे हमारा रेड बना हुआ है, इधर थोड़ा सा डबल लाइन का बॉर्डर रन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं फैंसी इलेक्ट्रिकल इस साइड लिखाते हुए। ये मेरा शॉप का नाम है फैंसी इलेक्ट्रिकल एंड होम डेकोर। इस साइड आप देख सकते हैं फैंसी इलेक्ट्रिकल एंड होम डेकोर, ठीक है। ये आपका इस साइड ये चल रहा है, और इस साइड में भी दिखा देते हैं आपको। इस साइड में ये हमारा ग्रीन कलर का AR इलेक्ट्रोटेक, ठीक है। अभी ये किसी का ऑर्डर है तो वहाँ फिटिंग होने के लिए जाएगा, और वहाँ फिटिंग भी होगा। फिटिंग होने के बाद मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी। और अगर आपका कोई किसी भी तरह का कोई भी ऑर्डर हो इस तरह का पैनल बोर्ड को लेके, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। जहाँ भी आप हैं बैठे, आप वहीं पर आपको मिल जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। तो आपका कोई भी अगर इस तरह का ऑर्डर है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में, सॉरी व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं उसके लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो है, और अगर किसी को स्पेशली इसको जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। कि ऑपरेटिंग का मेन मतलब क्या है, कि ऐसे रन कराना तो खैर इजी, सब करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब समझने का मतलब क्या है कि एक ही में ये अप डाउन कराना, इसमें हिंदी लिख लेना, इसमें इंग्लिश लिख लेना, और एक ही डिस्प्ले में बोथ साइड चलाना। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग में, प्रोग्रामिंग में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मल चलाने के लिए सबको इसका पता है, इसका एप्लीकेशन को यूज करना सबको जानकारी है वो नॉर्मल सा। लेकिन अगर ये इस तरह का बड़ा बोर्ड जो है, बड़ा पैनल डिस्प्ले अगर चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी लोग नए आए हैं चैनल में, बहुत लोग आते हैं देखते हैं, व्यूवर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो प्लीज़ भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए कुछ और नया, कुछ ना कुछ नया लेके आते रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बने रहें ऐसे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें ऐसे हमारे साथ।